हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि यस, वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और सबको यार ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बाय करने ही होते हैं, और अमेजोन से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है, क्योंकि अमेजोन पे अभी स्टार्ट हो गई है ब्यूटी सेल। दैट मीन्स कि आपको ऑलमोस्ट ब्रांड्स पे 50-60% तक का ऑफ मिल जाएगा। यू कैन इमेजिन जो लग्जरी ब्रांड्स है ना, लाइक कोसारेक्स, ऑर्डिनरी या लोरियल पेरिस, इन पे भी आपको अप टू 50% तक का ऑफ मिलेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना ऑफ कोई और जगह आपको मिलेगा जितना कि अमेजोन की जो पर्टिकुलर ब्यूटी सेल होती है ना, इस पे बहुत अच्छा ऑफ मिलेगा। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, दे ऑल आर माई फेवरेट। बहुत टाइम से मैं यूज कर रही हूँ एंड अभी अच्छे प्राइस पे वो अवेलेबल है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो यस, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस। सो या विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अंदर हम कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स एंड कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स दोनों को ही कंसिडर करेंगे, एक दो हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी मैं आपको बता दूंगी। सो यस, पहले बात करते हैं एक अच्छे से फाउंडेशन की, क्योंकि वेडिंग सीजन है एंड फाउंडेशन यार मतलब कब नहीं लगता है, हर जगह हम लगाते ही हैं फाउंडेशन, चाहे थोड़ा सा मीडियम कवरेज वाला लगाओ या फुल कवरेज वाला लगाओ। सो यस, दिस इज द फाउंडेशन फ्रॉम ब्रांड मैबलिन एंड दिस इज सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपको फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो आप जरूर से मैबलिन का ये ट्राई कीजिएगा, 24 आवर्स फुल कवरेज, बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, काफी अच्छा। और मेरा तो शायद ये खत्म हो गया, मुझे नया मंगाना है अभी। सो यस, दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन। एंड नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट वन इज अगेन अ फाउंडेशन एंड ये है नायका का स्किन जीनियस। यस, नायका के प्रोडक्ट्स भी आपको अमेजोन पे बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे और ये मैंने अमेजोन से ही बाय किया है। ये फाउंडेशन ऐसा है ना कि मतलब अगर आप नॉर्मली मतलब डे मेकअप भी कर रहे हो या आपको लाइट हल्का फुल्का मेकअप करना हो उसके लिए परफेक्ट है, तो ये मीडियम कवरेज के लिए अच्छा है और ये हाई कवरेज के लिए अच्छा है। सो मेरे कहने पे आप जरूर से इन दो फाउंडेशन में से एक ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मतलब थैंक यू बोलोगे मुझे बाद में कि यार दीदी बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड मेबलिन एंड दिस इज द फिट मी लूज फिनिश पाउडर। सो यस, लूज पाउडर मेबलिन का यार किसी से छुपावा नहीं है, इतनी प्यारी कवरेज है। मतलब कभी कभी होता है ना आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है तो नॉर्मली आप ये जो लैक्मे का ब्लर प्राइमर है, मैं काफी बार ऐसे ही करती हूँ, ये प्राइमर लेती हूँ और इसको अपनी स्किन पे लगाती हूँ। मतलब इसके अंदर ना एक हल्का सा टिंट है, काफी प्यारा सा सिलिकॉन इफेक्ट देता है और काफी अच्छी सी कवरेज भी देता है। अभी आप देखोगे ना हाथ को, आपको खुद को फील होगा, लुक एट दिस, मतलब यहाँ मैंने अप्लाई किया और यहाँ नहीं किया है, तो इतना प्यारा ये फिनिश लुक देता है। एंड उसके बाद मैं जनरली क्या करती हूँ, इस कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेती हूँ, तो बिल्कुल एक जो फाउंडेशन वाला लुक आता है ना वो फेस पे आ जाता है। सो ये मुझे दोनों प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं। सो इन दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हो, लैक्मे की ये ब्लर परफेक्ट प्राइमर एंड ये मेबलिन का ये लूज पाउडर, दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड दे बोथ आर माई होली ग्रेल प्रोडक्ट। मतलब दोनों ही मुझे, मैं कहीं पे भी घूमने जा रही हूँ, मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं अपने पास रखती ही रखती हूँ। बेसिकली ये जो ब्लर परफेक्ट प्राइमर है ना लैक्मे का, ये आपके स्वेट को भी नहीं आने देता है, ऑयल को नहीं आने देता और फिनिश लुक देता है फेस पे। सो ऑयली स्किन वालों के लिए भी मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट वन इज अ ल्यूमी क्रीम। बहुत बार होता है कि आपको ड्यूई थोड़ा सा ऐसा मेकअप करना हो जो पार्टी अप्रोप्रिएट लगे, थोड़ा सा ग्लोई लगे, सो दिस इज द बेस्ट ड्यूप ऑफ मैक्स ड्रॉप क्रीम। यस, अगर मैक्स ड्रॉप क्रीम आप नहीं खरीद सकते हो तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। बहुत प्यारी सी इसके अंदर एक ल्यूमी वाला इफेक्ट है, मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो एक थोड़ा सा पिंक टिंट आपको मिलेगा एंड उसके बाद जैसे ही आप इसको अपने फाउंडेशन से पहले लगाओगे ना तो ये देखो आप, आपको ग्लो लग रहा होगा हाथ पे। सो ये यहाँ पे अच्छा सा ग्लोई इफेक्ट आता है, उसके बाद जब आप फाउंडेशन लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से मेल्ट होगा फाउंडेशन और बहुत प्यारी सी ग्लोई ड्यूई लुक आएगी। ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देगा और साथ ही साथ में ग्लोई इफेक्ट भी लेके आएगा। सो ये तो बहुत कम प्राइस का है, 299 इसकी एमआरपी है, तो अभी आपको 200 अराउंड मिल ही जाएगा, मतलब 100 रुपीज तक का इसके अंदर ऑफ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट, दिस इज द मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर। सो ये शेड है मेरा कैरेमल, इसमें मेरे पास लाइट शेड भी है बट लाइट शेड थोड़ा सा ज्यादा लाइट है मेरे फेस पे। ये बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे अपने पिगमेंटेशन, एक्ने, स्कार्स, इन सबको हाइड करना है, ये थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन से, लुक एट दिस। सो ये मेरे अच्छे से जो भी पिगमेंटेशन है, एक्ने, स्कार्स है, उसको हाइड कर देता है, डार्क सर्कल एरिया पे मैं अप्लाई कर लेती हूँ। एंड यस, फाउंडेशन आप नहीं भी लगाओ तो अपने स्कार्स वगैरह को आप कवर अप कर लो, उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लो तो यू आर रेडी टू गो। मतलब अलग से आपको फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आपको मेकअप के लिए फाउंडेशन ही
थोपना है अपने चेहरे पे, आप नॉर्मली इस तरह से भी हैक्स करके अपनी स्किन को अच्छे से फ्लॉलेस बना सकते हो, प्रेजेंटेबल बना सकते हो. सो ये भी बहुत अच्छा है, ये आप ट्राई कीजिएगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, दैट वन इज वन ऑफ माय फेवरेट, यस, स्नेल म्यूशियन बाय कोसारेक्स, जिसके अंदर 96% स्नेल का म्यूकस है. डिटेल रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है. लिटरली दिस इज माय थर्ड बॉटल और इसको जब से मैं यूज कर रही हूँ ना, मेरी स्किन पे बहुत अच्छा फर्क आया. मतलब स्किन हेल्दी हो गई है, एक्ने स्कार्स को भी ये फेड आउट करता है, बहुत अच्छा है. मतलब स्नेल का म्यूकस इतना अच्छा रहेगा मैंने कभी सोचा नहीं था. सो अमेजोन पे ये अभी आपको, मतलब वैसे इसकी MRP 1400 समथिंग है, बट अमेजोन पे अभी ये आपको 1000 अराउंड मिल जाएगा. सो यू कैन इमेजिन, मतलब कोसारेक्स पे अमेजोन 400-500 रुपए का ऑफ दे रहा है, बहुत बड़ी बात है. तो ये मेरी थर्ड बॉटल है. एक पहले मैंने नायका से बाय की थी जब अमेजोन पे ये ब्रांड्स अवेलेबल नहीं थी, अभी अवेलेबल हो गई है. तो लास्ट दो बॉटल मैंने अमेजोन से ही बाय की और मैं डेली नाइट स्किन केयर रूटीन में इसको यूज करती हूँ. नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड ऑर्डिनरी. सो ऑर्डिनरी पे भी अमेजोन पे अभी ऑफर है. ऑर्डिनरी का हाइलोनोरिक एसिड, नियासिनमाइड, बोथ आर माई फेवरेट. मतलब हाइलोनोरिक एसिड तो आफ्टर 30 आपको यूज करना ही चाहिए, आपके मतलब स्किन के जो रिंकल्स फाइन लाइन्स है उसको ट्रीट करता है, आने नहीं देता है, आने का टाइम डिले करता है और अपनी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है, हाइड्रेट बनाता है. सो बेसिकली मुझे लोरियल का भी बहुत पसंद है. लोरियल का कहाँ रख दिया मैंने, दिख नहीं रहा. लोरियल का जो हाइलोनोरिक एसिड है वो भी बहुत अच्छा लगता है और ऑर्डिनरी का भी अच्छा है. सो ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स पे भी डिस्काउंट है. दोनों ही प्रोडक्ट्स, नियासिनमाइड एंड इसका जो हाइलोनोरिक एसिड है, दोनों आप ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट प्रोडक्ट है वन ऑफ माय फेवरेट शैम्पू, यस, दिस इज लोरियल पेरिस एब्सोल्यूट रिपेयर डैमेज शैम्पू. सो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, फ्रीजी है, अनमैनेजेबल है, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, डैमेज के कारण हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आपने केराटिन स्मूथनिंग कोई भी ट्रीटमेंट करवाया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा शैम्पू मैं ट्राई करूं, इस शैम्पू को आप एक बार यूज कीजिए. ट्रीटमेंट करवाया हुआ हो तो भी अच्छा है, नहीं कराया हुआ हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो. एंड एक और कॉम्बो मैं आपको साथ शेयर करूंगी, लोरियल पेरिस का ही है ये, एक्सटेंसो केयर शैम्पू है. सो ये दोनों मैंने साथ में मंगाया था. जब मैंने केराटिन कराई थी तो मेरे सलोन वाले ने बोला था कि आप ये ब्लू वाला ट्राई कीजिएगा, इसमें गोल्डन वाला भी आता है, बट उसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा नहीं मिला. सो ये मैंने ट्राई किया था, ये भी काफी अच्छा है. मतलब शैम्पू अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट इसका हेयर मास्क बहुत ही प्यारा है. सो ये देखो कंटेनर खाली हो गया है और काफी लंबा चला था, 7-8 महीने चल गया ये वाला हेयर मास्क. क्वांटिटी आपको बहुत कम लेनी होती है इसकी भी. सो यह प्रोडक्ट है वो है एक फेस वॉश और ये है सिंपल का विटामिन सी ग्लो फेशियल वॉश. अमेजिंग प्रोडक्ट है. मतलब सिंपल का जो पहले वाला ग्रीन वाला आता था ना, वो मैंने यूज किया था, बहुत अच्छा था वो भी, और ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है. बहुत काइंड है, बिल्कुल भी खींचापन नहीं लगता है स्किन पे, बहुत सॉफ्ट एंड सपल बनाता है और इसकी MRP बहुत कम है, 399 है और अमेजोन पे अभी आपको 250 अराउंड मिलेगा. और क्वांटिटी आप देखो कितनी ज्यादा है, 150 ml है. सो एक बंदा यूज भी करेगा ना तो आराम से उसका 4-5 महीना चलेगा. बहुत कम क्वांटिटी लेनी होती है, क्लियर करता है फेस को बहुत अच्छे से. नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड डॉक्टर शेड एंड दिस इज सेरेमाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन. अगर आपकी ऑयली स्किन है और सारे सनस्क्रीन ट्राई करके भूल चुके हो ना, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा. अगर आप मॉइस्चराइजर भी स्किप करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर सेरेमाइड्स है और PA++ है, SPF 50 है, जो कि UVA एंड UVB दोनों रेज से आपको प्रोटेक्ट करेगी. तो इसमें सेरेमाइड्स है, हाइलोरिक एसिड है, मिनरल एंड ऑर्गेनिक फिल्टर है एंड यस विटामिन सी कॉम्प्लेक्स है. तो सारा काम ये एक ही सनस्क्रीन आपका कर लेगी. सो अलग से मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन डिफरेंट बाय करने की जरूरत नहीं, आप एक ही वाला ट्राई कर सकते हो. एंड मॉइस्चराइजर क्रीम अगर आप ट्राई करना चाहते हो ना, तो फिर ये मिनिमलिस्ट की लीजिएगा. हालत देखो पूरी पिचकू हो गई है मेरी इसकी हालत. सो दिस इज विटामिन B5 10% मॉइस्चराइजर. इसके अंदर कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, हेलोनिक एसिड है. सो ये भी बेसिकली ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है. और जब मैं इसको यूज कर रही थी ना, तो लिटरली मुझे फील हुआ था कि मेरा जो फेस है वो एक हेल्दी फूड खा रहा है, बहुत अच्छे से ही नरिश करती है स्किन को. एक प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी, वो अगेन ब्रांड सिंपल का है, माइसेलर वाटर. ये भी बहुत प्यारा है, देखो मैंने इतना इसको खत्म कर दिया है. सो ये बहुत काइंड है, अगर आपको मेकअप मेल्टडाउन करना है अपना, माइसेलर वाटर अच्छा सा चाहिए तो इसको ट्राई कीजिए. अल्कोहल फ्री है, बिल्कुल भी ऐसे जलेगा नहीं फेस पे या ड्राई नहीं करेगा. सो हमेशा मेकअप रिमूवर वो ही लो जो अल्कोहल फ्री रहे, स्किन के लिए भी काइंड रहे और बिल्कुल भी उसके अंदर प्रिजर्वेटिव परफ्यूम, मतलब इसके अंदर खुद में लिखा है कि कोई भी परफ्यूम, कलर, हार्श केमिकल या फिर मिनरल ऑयल्स, अल्कोहल वगैरह नहीं है. तो बहुत काइंड है ये स्किन पे. तो सेंसिटिव स्किन वाले तो फॉर श्योर इसको ट्राई कर सकते हो. गाइस ये थे कुछ मेरे रिकमेंडेशन अमेजोन से जो आप ट्राई कर सकते हो. अभी ब्यूटी सेल में बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे है, सो एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा. सारे लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं. तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.